हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर में सब सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सबको मैं मनी प्लांट के बारे में बताऊंगा। मनी प्लांट की क्या देखभाल करें और कैसे ग्रो कर सकते हैं आप मनी प्लांट को घर पर ही। आज आपको मैं तीन तरीके बताऊंगा, बड़े ही आसानी से उगा सकते हो आप घर पे। और जो मनी प्लांट होता है, आप साल में से कभी भी ग्रो कर सकते हो मनी प्लांट को। मनी प्लांट जो प्लांट होता है, ये एक बेल होती है। इसकी बेल जितने ज़्यादा फैलेगी, देखने में उतने अच्छे लगते हैं ये। मनी प्लांट के भी काफ़ी वैरायटी होती है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन। मेरे पास दो वैरायटी हैं ये, एक डार्क ग्रीन एक हल्का ग्रीन। ये दोनों के पत्ते काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं इनके पत्ते। अगर इनके पत्ते आप डेली वॉश करें तो देखने में और अच्छे भी लगते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा इनकी कैसे देखभाल करें, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। और जो ये मनी प्लांट का प्लांट होता है, इसको कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, ये आसानी से ग्रो आता है। बस जो इसकी मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। हमेशा इसकी मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए, हमेशा इसमें पानी रहना चाहिए इसकी मिट्टी में, और इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। और आप इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करोगे, उतनी इसकी शैडो में से सैड ब्रांचेस निकलेगी। जितनी ज़्यादा सैड ब्रांचेस निकलेगी, उतनी ज़्यादा मनी प्लांट शैडो से बुशी होएगा। और देखिए, जैसे मेरी प्लांट की मिट्टी काफ़ी ये गिल्ली है, तो आपकी भी ऐसी रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए आपकी मनी प्लांट की मिट्टी। और मनी प्लांट में जिस घर में होता है, आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मनी प्लांट जहाँ पर रखा होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये इसकी पत्ती होती है सूखी। ये आपने सूखी पत्ती इस पे से आपने तोड़ देनी है, आप कैंची से कट कर सकते हो उसे। ये तो नवी, यहाँ से नवी ग्रो हो जाएगी, मगर जो सूखी पत्ती होती है वो ख़राब होती है पौधे के लिए। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है मेरे पौधे की। इसके पत्ते बिल्कुल हल्के ग्रीन है, एक मेरे पास डार्क ग्रीन वाला है ये। आप इसे कोई से भी पॉट में लगा सकते हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। आप इसे कैन में भी ग्रो कर सकते हो, या 12 इंची या 10 इंची, या छोटे छोटे गमले आते हैं उसमें भी ग्रो कर सकते हो, या किसी में भी ग्रो आता है। ये मिट्टी में भी ग्रो आता है, एक सेंट आती है जो रेत होती है, रेत में भी ग्रो हो जाता है ये सेंट में। इसको आप पत्तों से भी ग्रो कर सकते हो, जो इसके पत्ते होते हैं इस पत्तों से भी ग्रो कर सकते हो। और जो मनी प्लांट का प्लांट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कीड़े नहीं लगते। हमेशा इसमें जो होती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मगर इसमें कीड़े की कभी प्रॉब्लम नहीं आती। एक ये मेरा मनी प्लांट और देख सकते हो आप, ये मैंने अपनी साइड में बालकनी में फैला रखा है। ये देखने को देख सकते हैं आप, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं, ये मैंने रस्सी से ऊपर को चढ़ा रखा है, ये देखिए आप, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है घर में जब मनी प्लांट होता है। तो इसके पत्तों को आपने डेली वॉश करना है जब भी करना है। तो इसकी ग्रोथ हमेशा समर में स्टार्ट हो आती है, और विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठंड के टाइम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप इसे अंदर रख सकते हो घर के। ये देख सकते हैं, इसमें ये दो तीन गमलों में मैंने लगा रखा है, ये बाल्टी में एक दो तीन डब्बों में लगा रखा है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी पत्तों का साइज भी इस पर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा इसके पत्तों का साइज इंक्रीज होएगा, उतना देखने में अच्छा लगता है ये मनी प्लांट। जैसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी ना एरियल रूट होती है, ये जो सामने मेरे आप देख पा रहे हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसे एरियल रूट बोलते हैं। सबसे पहला मेथड ये है ऐसे ग्रो करने का, जो इसका ये मेथड है सबसे आसान है। अगर आपने किसी ने गार्डनिंग कभी पहले की नहीं है, तो आप इसे ग्रो भी कर सकते हो जब भी, जैसे मैं आप बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करो आप। ये इसकी एरियल रूट होती है, जितने ज़्यादा निकलेगी पौधे के लिए उतना अच्छा होता है। इससे आपको बताऊँगा मैं कैसे ग्रो कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए, आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये एरियल रूट हम इसके थ्रू इसे ग्रो करेंगे, तो सबसे पहले आपने कोई एक गिलास ले लेना है। मैं दिखाता हूँ आपको अपना गिलास। जैसे ये मेरे पास एक गिलास है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने मिट्टी भर ली है। ये थोड़ी चिकनी मिट्टी है, ये बालू मिट्टी है हमारे पास। अगर आपके पास मिट्टी ना हो, तो आप रेत भी ले सकते हो। तो जो इसकी एरियल रूट होती है, ये आपने ये वाला पार्ट लेना है इसका, आपके मनी प्लांट में होएगा तो। ये इसका पार्ट लेने के बाद आपने क्या करना, आपको मैं बताऊँगा अभी। ये पार्ट लेने के बाद, जैसे आपकी मिट्टी है, ये मिट्टी में थोड़ा
पानी होना चाहिए आपके, ये इसे ऐसे इसमें लगा देना है। इसे लगा जाने के बाद इसकी रूट जो होती है एजर रूट, ये मिट्टी के अंदर पूरी चली जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी उतनी जल्दी। ये जैसे मेरे पास माचिस की तिल्ली है तो आप भी इसे ऐसे शेड में लगा सकते हो। अगर आपके पास माचिस की तिल्ली ना हो तो आप कुछ पे पत्थर या कुछ भी रख सकते हो, जैसे ये हिले ना यहाँ से कम 15 या 20 दिन तक यहाँ से हिले ना। जितने ज़्यादा ये अगर हिलेगी तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर इसकी अब ये हिली नहीं ना, इसके 15 या 20 दिन में इसकी रूट्स डेवलप हो जाएगी और फिर इसमें आप वाटरिंग कर सकते हो। वाटरिंग करने के बाद आप इसे रख सकते हो। और दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक इसकी कटिंग है, ये मनी प्लांट की एक कटिंग है मेरे पास। ये कटिंग को आपने क्या करना है, जैसे इसका एक लीप है आप देख सकते हो, ये लीप आपने तोड़ देना है यहाँ से। इसकी भी एरियर रूट निकल रखी है आप देख सकते हैं, ये लीप यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होएगी, ये जितनी भी एरियर रूट होती है इसकी वहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है मनी प्लांट की। जैसे ये इसमें मिट्टी में आपने एक होल कर लेना है, जैसे मैंने होल करा है, ये किसी टूल के वजह से या किसी चीज़ से आप इसमें होल कर सकते हो। जैसे मैंने होल करा आपने भी होल कर लेना है। उसके बाद जो इसकी एरियल रूट होती है ये मिट्टी में दब जानी चाहिए अच्छी तरह। इसे ऐसे लगा देना, इसमें मिट्टी में दब जानी चाहिए जैसे मैंने दबा दिया। फिर इसे शैडो से प्रेस कर देना है, इसमें वाटरिंग कर देनी है। इसमें कम से कम 25 या 30 दिन लग जाएंगे इसमें ग्रोथ स्टार्ट होने में, मगर इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे साल में कभी भी कर सकते हो, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, रूट पकड़ लेते हैं ये, काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं मनी प्लांट जो भी होते हैं हमारे। और एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं, जैसे हमने अब तो लगा दिया है, आप जैसे इसकी एक कटिंग तोड़ के काट के, और जब भी आपने कटिंग लेनी है अच्छी लेनी है हेल्दी लेनी है, और जैसे इसका पत्ता है आप देख सकते हैं, इसे आप पत्तों से भी ग्रो कर सकते हो। आप पत्तों को मिट्टी में लगा सकते हो, मिट्टी में लगाने के बाद इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है शैडो में से। और तीसरा मेथड एक इसका ये है, जोन सा आपने कभी भी कटिंग लेनी है, कटिंग लेने के बाद जो इसकी एरियर रूट होती है वो कम से कम 2 या 3 एरियर रूट होनी चाहिए उसकी, और उसे पानी में लगा देना। जैसे गिलास की बोतल लेके या कंच का गिलास लेके जिसमें से हवा क्रॉस होए आर पार होए उसमें लगा देना है। उसमें भी उसकी आपको ट्रांसप्लांट होना चाहिए, इसमें से आर पार दिखे, जैसे आपको उसकी रूट दिख पाए इसमें रूट डेवलप हो रही है नहीं हो रही है। और कम से कम हर 2 या 3 दिन बाद आपने पानी चेंज करना है उसका, उसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट की बड़ी अच्छी तरह ग्रोथ हो आती है। अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।